हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय यादव, टीम सीएलसी सीकर। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा डीटीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है, डीटीएस 5। ओके, उसको आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम जेई मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर जेई एडवांस का पेपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज देखो बेटा, जेई मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें ऑर्गेनिक का अपन का पोर्शन था, हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव, और जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का पेपर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका क्वथनांक न्यूनतम है। तो किसका क्वथनांक न्यूनतम है, तो समझो बेटा क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका वेपर फेस में जो प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली वेपर्स उतनी एक्सटेंट में बननी चाहिए ताकि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो वेपर की ज्यादा एक्सटेंट तब बनेगी जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो, कमजोर हो। ठीक है, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो वेपर्स कम बनेंगी, तो हमें ज्यादा टेम्परेचर तक हीट देनी पड़ेगी, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो कहने का ये मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर, मतलब जो अंतरणविक बल है अणुओं के बीच में उसके ऊपर डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अंतरणविक बल, उतना ज्यादा क्वथनांक आपका होगा। ठीक है, अगर अपन लोग यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बाद अगर हमें कोई पैरामीटर देखना है तो हम क्या देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर वो आइसोमर ही है और इनमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का मतलब मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है वहां पे, तो आप फिर मॉलिक्यूलर मास चेक करो। अगर मॉलिक्यूलर मासेस भी सेम है तो आप ये चेक करो कि लंदन फोर्सेस या वैन डेर वाल्स फोर्सेस किसके ज्यादा है, और लंदन फोर्सेस किस पे डिपेंड करेंगे, सरफेस एरिया पे। तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसके वैन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया तो ये दो मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब चलो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया, ये हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो अपन लोगों को केस दे रखा है उसमें अपन लोगों ने सारे केसेस एल्केन के हाइड्रोकार्बन के लिए रखे हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर हम देखें यहाँ पे सभी एल्केन्स जो हैं आइसोमेरिक फॉर्म में हैं। ठीक है, अगर हम देखें बेटा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, और यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे भी 5 और 6 आइसोमर्स है। ठीक है, तो अगर हमें कोई स्पेशल चीज नहीं दिख रही है, सभी आइसोमर हैं तो मॉलिक्यूलर मासेस सेम होंगे, तो अपन लोग देखेंगे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, क्योंकि हमें लोएस्ट पता करना है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया तो इसका होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि लीनियर है, और जितना लीनियर होगा तो लीनियर लीनियर के बीच में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा और जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रहेगा, मतलब जितना ज्यादा स्फेरिकल रहेगा मॉलिक्यूल, उतना क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा और अट्रैक्शन कम आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ब्रांच ये दिख रहा है अपन को, तो स्फेरिकल शेप ये होगा, ओके मतलब वेरी क्लोज टू स्फेरिकल। ओके, तो ये जितना ज्यादा गोलाकार होगा, दूसरा अणु भी क्या होगा, गोलाकार होगा, तो इनके बीच में जो सरफेस एरिया है अट्रैक्ट करने वाला या इंटरैक्ट करने वाला वो कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसी का आएगा। समझ में आ गया लॉजिक, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपन लोगों की, अ सैंपल ऑफ R2 क्लोरोब्यूटेन आपको ये दे रखा है, रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑल द प्रोडक्ट्स हैविंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन लोगों को प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करानी है, किसको, R2 क्लोरोब्यूटेन को। ठीक है, अब देखो बेटा ये R2 क्लोरोब्यूटेन बना हुआ है, वो कह रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से कि क्या बनना चाहिए, उन्होंने बोला कि ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ओनली वन वॉज फॉर्म्ड, ओनली बोथ वन एंड टू वर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट्स, बोथ वन एंड टू वर फॉर्म्ड इन अनइक्वल अमाउंट्स। ठीक है, तो अब जरा समझो इसको, यहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहां पे आपको दे रखा है CH3 CH2 एंड CHCl
और साथ में क्या आ रहा है CH3, ये बेटा ठीक है, ये आपका कार्बन है जिसपे ब्रोमिनेशन अपन को कराना है, ठीक है। BR रेडिकल मतलब यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, पहले हाइड्रोजन जाएगा, अब इस कार्बन से आपको जो है H निकाल के BR सब्स्टिट्यूट करना है। ये रिएक्शन जो है बेटा मुक्त मूलक विस्थापन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अगर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल बनना चाहिए और रेडिकल बनेगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है और एक जगह क्लोरीन है, ठीक है। अब जो रेडिकल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कार्बन के ऊपर क्या है पी ऑर्बिटल, इस पी ऑर्बिटल की लोब दोनों तरफ क्या है 50-50% है, तो मतलब आने वाला जो नया बी आर रेडिकल होगा, ओके, बी आर रेडिकल जो होगा वो क्या होगा बेटा 50% उसकी संभावना है कि वो ऊपर से आए और 50% संभावना है नीचे से आए। तो मतलब अगर अपन लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 50% संभावना है कि BR लेफ्ट साइड से आया, 50% संभावना है कि BR राइट साइड से आया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला और दूसरा एक दूसरे का एनेंशियोमर है और दोनों ही क्या होंगे इक्वल अमाउंट में बनेंगे, ठीक है, 50-50% चांसेस है, तो यहाँ पे समान मात्रा में बनेंगे, सो आंसर इज टू, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट केस, अपन लोगों को हाइड्रोजनेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे ABC, यहाँ पे ये जो है आपको बताना है कि ABC से आपको 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल रहा है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऐड हो रहा है, मतलब ये ABC एल्कीन है कोई, है ना। अब एनर्जी डायग्राम इसका दे रखा है और सभी आइसोमेरिक फॉर्म दे रखी है, ठीक है, ये बात तो तय है कि इन सभी का हाइड्रोजनेशन करने से अपन को 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो ए जो है वो होगा जो सबसे क्या होगा बेटा कम स्टेबल होगा, ठीक है, ए जो है वो होगा जो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अब स्टेबिलिटी हम कैसे जज करेंगे इनमें एल्कीन्स में, आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा जिसके होंगे उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा आएगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपन लोग देखें यहाँ पे ये एल्कीन, ये एल्कीन, ये वाली एल्कीन, ठीक है, सभी में अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करके लिख देता हूं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जब मैं काउंट कर रहा हूं तो यहां पे देखो इसमें कितने हैं भाई, इस एल्कीन की करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं दो और एक तीन, तीन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अगर मैं देखूं इसमें तो इसमें तीन यहां पे हैं, दो यहां पे हैं और एक यहां पे, तीन दो पांच और एक छह अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखो बेटा यहां पे दो हैं और यहां पे भी दो हैं, तो यहां पे कितना हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें कितने आ रहे हैं तीन यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे, ठीक है, तीन तीन छह चार दस अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ये वाली, और सबसे लेस स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ये वाली 3 अल्फा हाइड्रोजन वाली, ठीक है। तो अगर मुझे आंसर करना होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन होगा जो सबसे कम स्टेबल एल्कीन रहा होगा, तो ए कौन सा आंसर होगा बेटा, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, ए आपका होगा फर्स्ट, समझ में आ गया, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यूजुअली अपन लोग किसमें दिखाते हैं बेटा, कंजुगेटेड डाइंस में, ठीक है। तो पहले अपन लोग ये समझ लेते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। अगर अपन लोग यहां पे देखें काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है, अगर हम लोग 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, अगर इस पे ब्रोमिनेशन कराया जाएगा, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CH2Cl2, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे अपने पास, एक BR यहां पे और एक BR यहां पे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा प्रोडक्ट ये आएगा आपके पास BR और यहां पे BR, ठीक है, समझ आ बात को। या हम लोग इसमें DBR की रिएक्शन करा दें तो DBR में क्या होगा, यहां पे आपका BR जुड़ेगा, यहां पे D आ जाएगा, ठीक है, ये और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, संभव यहां पे D और यहां पे BR, ठीक है। तो अगर अपन लोग देखें तो 1,2 प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, KCP।
और 1/4 जो एडिशन होगा वो कहलाएगा टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये थर्मोडायनेमिकली या काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या है ये समझते हैं। ये देखो बेटा, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये लेस स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है फॉर्म होने के बाद, तो वो कहलाएगी मोर स्टेबल एल्कीन जो होगी वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगी। ठीक है, और ये लेस स्टेबल एल्कीन होगी वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे लो टेम्परेचर की कंडीशन अगर अपन लोग रखते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर से कम, तो वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। अगर टेम्परेचर को थोड़ा रेस करके हम लोग रखते हैं तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। वजह क्या है बेटा, वजह ये है कि भाई जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास जो है कंजुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे आप एल्कीन बना रहे हो। ठीक है, एक एल्कीन ये है, ओके, और दूसरी एल्कीन कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ में बना रहा हूं किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए, है ना। मैंने ये सपोज करो ये ग्राफ बनाया, और 1/4 के लिए क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं पहले। देखो बेटा, ये ब्लू वाली जो बार आ रही है, ब्लू वाला जो ग्राफ है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल ज्यादा है, और जो रेड वाला लाइन है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है बट प्रोडक्ट जो है लेस स्टेबल बन रहा है। यस और नो, देख सकते हो आप। तो ये वाला प्रोडक्ट कहलाएगा केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब काइनेटिक्स डील करेगी इसको, मतलब लो एक्टिवेशन एनर्जी के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादातर कौन सा पाथ प्रीफर कर जाएंगे, केसीपी वाला। ठीक है, 1/2 वाला। और जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाले प्रोडक्ट होगा, मतलब ये आपका 1/4 प्रोडक्ट होगा, स्टेबल तो ज्यादा है लेकिन इसके लिए अपन लोगों को ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो टीसीपी बनेगा। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो टीसीपी बढ़ने लगेगा। समझो बात को, तो अपन को फिलहाल केसीपी बताना है। ठीक है, तो 1/2 एडिशन कराना है। क्या कराना है बेटा, 1/2 एडिशन। अब देखो, तो ये केसीपी टीसीपी का कंसेप्ट था, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आप लोगों को। अब इसमें भी वही कंजुगेटेड सिस्टम ही आ रहा है ना, कंजुगेटेड सिस्टम आ रहा है, तो अपन को जब 1/2 एडिशन कराना है बेटा, तो HCl को आप इस पे ऐड कराओगे। ठीक है, तो HCl को जब ऐड कराओगे तो पहले H+ इसको क्या करेगा, ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इन्वॉल्वमेंट में जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पे क्या होगा, कार्बोकैटायन यहां पे पहले बनेगा और H जुड़ चुका है। ठीक है, H कहां जुड़ा, इधर। ठीक है, अगर D जो होता D+, तो यहां पे अपन को D दिख जाता, लेकिन यहां पे H अपन को दिखेगा नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर में H अपन लोगों को शो ही नहीं किया गया है। ओके, लेकिन अपन को पता होना चाहिए H इस कार्बन पे जुड़ा है। अब Cl- क्या होगा बेटा, Cl- यहां पे जुड़ेगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट फाइनली अपना ये बनेगा। ठीक है, सो आंसर क्या आया, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये चौथा आंसर अपन लोगों का करेक्ट होगा। समझ में आ गया, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको एक प्रोडक्ट दे रखा है, और यहां पे अपन लोग देखें, सबसे पहले स्टेप में अपन ने इस पे NaNH2 डाला, ये टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो पहले NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaNH2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और NaNH2 के साथ जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहां पे क्या आएगा बेटा, CH3CH2, ओके, सी ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ बनेगा एसिड बेस रिएक्शन के बाद। ठीक है, अब ये जो है ये खुद में ही एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है C-, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप एल्काइल हैलाइड के साथ CH3CH2Br के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बेटा, SN2 रिएक्शन होगी। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे आ जाएगा CH3CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3। ओके, फिर आगे क्या करा रहे हो, बस यही कराना था अपन को। तो आंसर क्या होगा, देखो जरा,
यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, तो अपन के पास जो आंसर होगा पहला ही आंसर आएगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं है। ओके, NH2 का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट होगा, ये ब्रांचिंग नहीं हो सकती। सो आंसर आपका जो है फर्स्ट आएगा, ठीक है, फिफ्थ केस का। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, सिक्स्थ वाला केस क्या बोल रहे हैं अपन को कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम लोग कंडीशन जानते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, जिनके पास क्या है मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल हो, और जिनके सारे पी ऑर्बिटल्स क्या हो, डीलोकलाइजेशन में हो, लेकिन कंडीशन वहां पे क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू आप जो है 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, है ना, समझ रहे हो बात को। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो कंजुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना, और ना ही यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ब्रेक हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे ASP3 कार्बन, ASP3 कार्बन, तो इसको तो अपन लोग नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे भी ये आपका क्या है, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे ये आपके आउट ऑफ टू लोन पेयर एक लोन पेयर इसके साथ क्या होगा, डीलोकलाइजेशन में होगा। तो कहने का ये मतलब है कि ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ठीक है। अब सवाल आता है किसका कि भाई ये देखो बेटा, ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो तो ये हो गए, दो ये हो गए लोन पेयर वाले, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, या जो भी स्पेसी एंटी एरोमेटिसिटी शो करेगी वो यूजुअली रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, या अगर एग्जिस्टेंस आता है तो वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए आएगा और वो डाइमर बना लेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, गेन कर देगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। Now, next अपन लोग आते हैं, which of the following structure is most important contributor of the resonance hybrid undergoes orthobromination? अब देखो बेटा, अपन लोग बात कर रहे हैं कि भाई anisole का, anisole तो समझते ही अपन लोग, अच्छा यहाँ पे options जो हैं disturb होगा, यहाँ पे बने हुए हिंदी में, ठीक है, कि कौन सी अनुनादी संरचना संकर बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो अब देखो, पहले तो अपन बात करेंगे यहाँ पे कि जब anisole के ऊपर ब्रोमिनेशन कराएंगे अपन लोग, ठीक है, ये आपका OME है, OCH3 ब्रोमिनेशन जब आप करा रहे हो, ठीक है, सपोज करो तो एरिनियम आयन जो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, देखो OME, यहां पे अपन लोगों ने ऑर्थो पोजिशन पे Br जोड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया, ठीक है। अब इसको देखो, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक पूरा क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, OME, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो ठीक है, तो समझो यहां पे सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि पहले तो अनचार्ज देखते हैं या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि अगर चार्ज है तो चार्ज हमें ये देखना होता है कि इसके ऊपर चार्ज है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हम देखें कि जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग है या नॉन बॉन्डिंग है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स किसमें आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कंपेरिजन करें तो पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड ही सर्च कर लो, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नॉन बॉन्डिंग पेयर था वो इसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग पेयर में चला गया, ठीक है, और बॉन्डिंग पेयर में ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, तो आंसर इज 4, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो वो कह रहे हैं कि कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की कहानी हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इन्वॉल्व होता है और RDS स्टेप में जो है क्या बनाता है, एरिनियम आयन बनाता है बेटा, ठीक है, एरिनियम आयन बनाता है E, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एरिनियम आयन जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को हम जज करेंगे, ठीक है, एरिनियम आयन जो बना E और H, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को अपन लोग जज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, अगर इस एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा तो
जो भी इसके पास ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, तो एरिनियम आयन बनने का रेट आसान होगा, मतलब रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि आरडीएस स्टेप तो एरिनियम आयन का बनना ही है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे किस टाइप का ग्रुप एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो कहने का ये मतलब बेटा, यहाँ पे देखो एरिनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो बढ़ाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट देगा सीधा सीधा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ डीलोकलाइजेशन में जाएगा बेंजीन के साथ, और एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ बेटा कि डी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, ओके, तो डी के पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ये विड्रॉइंग, फिर न्यूट्रल बेंजीन आ जाएगी, तो डी के बाद आएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आएगा? अब सीएल वीक विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट से ही विड्रॉ करेगा, जबकि यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट से विड्रॉ करेगा। तो अगर रिलेटिवली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ए का फास्टर होगा सी से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? देखो फोर्थ आ रहा है ना, तो इस तरीके से आठवीं नंबर की प्रॉब्लम हो गई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो आप CH3CH2Br की, और यहाँ पे आप जो है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करा रहे हो, क्लियर। पूछना ये चाह रहे हैं कि K1 और K2 रेट कांस्टेंट हैं अबव रिएक्शन के, तो करेक्ट रिलेशन कौन सा है? तो करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा बेटा? देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जिसकी सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी फास्ट होगी? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे OH- अटैक कर रहा है। अब दोनों ही क्या है? 1 डिग्री है, ठीक है, और दोनों पे ही SN2 होने वाली है, ठीक है। अब 1 डिग्री अगर हम बात करें तो ये क्या है? सिंपल 1 डिग्री है, जबकि यहाँ पे पीछे क्या है? एक स्टेरिकली कंप्रेस्ड 1 डिग्री है, तो इस पे SN2 के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ये अपन को पता है, क्लियर। सो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई इन दोनों में डर नियतांक किसका ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस है बेटा, K1 ज्यादा होगा, क्योंकि ये सिंपल इथाइल ब्रोमाइड है, जबकि ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, और बैक साइड अटैक जो है OH- का पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, या बहुत कम होगा, फीबली, बहुत ना के बराबर, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं K1 का रेट ज्यादा होगा K2 से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 10वां क्वेश्चन देखो। आपको बोला जा रहा है कि अमंग द ब्रोमाइड्स 1, 2, 3 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1, SN1 में क्या होता है? SN1 में कोई भी सब्सट्रेट होता है, ठीक है, RX सपोज करो, यहां पे कार्बन के साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है, और यहां पे क्या होता है? ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, और लीव करने के बाद यहां पे क्या बनाता है? कार्बोकैटायन छोड़ जाता है, ठीक है। अब जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल एंट्री लेगा Z-, ठीक है। अच्छा, तो RDS स्टेप तो यही होता है बेटा, तो जितना ज्यादा आसानी से कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही फास्ट रेट होगा, और आसानी से कार्बोकैटायन तब बनेगा जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कहने का ये मतलब है इन सभी केसेस में आप पहले तो कार्बोकैटायन डेवलप करो, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो पहले अपन लोगों ने यहाँ पे डेवलप करा कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे जो है ये आया Br के लीव कराने के बाद, यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट केस में जो आ रहा है कार्बोकैटायन वो ये आ रहा है ना। अच्छा, तो कहने का ये मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन किसकी होगी? अगर हम देखें तो ये एंटी एरोमेटिक, इसमें एंटी एरोमेटिसिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो और ये जबकि क्या बेटा एरोमेटिक है, और ये आपका मतलब नॉन एरोमेटिक है ना, तो लेकिन कंजुगेशन है, तो स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात करूं तो 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 1 की, फिर 2 की, तो सबसे ज्यादा फास्टर रेट भी किस पे होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से देखेंगे तो 3 के बाद आएगा 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, ये आंसर आएगा, क्लियर फर्स्ट। तो ये आपके
10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं आगे बेटा। नेक्स्ट 11 नंबर की प्रॉब्लम, 11 नंबर की प्रॉब्लम में आप देखो तो यहां पे आपको दे रखा है एक स्टार लिया है और CH2 CH2 Br, ठीक है, इस पे अपन लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ओके, और फिर बोला जा रहा है कि एक्स होगा आपका, एक्स क्या होगा, तो अगर हम देखें यहां पे अपन लोगों को बोला जा रहा है कि 1 और 2 का जो मिश्रण होगा, ठीक है, ये बनेगा या ये बनेगा, 1 और 2 का मिश्रण बनेगा, ठीक है, 1:1 में बनेगा या 2:1 में बनेगा, ये समझो, ठीक है। यहां पे देखो अपन लोगों ने CH3 CH2 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 Br है, ठीक है, और यहां पे अपन लोगों को एक क्या दे रखा है बेटा, सल्फर ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और यहां पे आपके पास CH2 CH3 की चेन, ठीक है। अब सल्फर खुद में ही क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है बेटा, और यहां पे एक लीविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले यहां पे जो हाइड्रोलिसिस से पहले, ठीक है, क्या होगा, सल्फर अपना लोन पेयर खुद इसके ही साथ इन्वॉल्व कर देगा और यहां पे लीविंग ग्रुप निकाल देगा, तो इसको बोलते हैं अपन लोग लीविंग ग्रुप के बाजू में जो ग्रुप लगा हुआ था, बाजू वाले कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ था उसको बोलेंगे नेबरिंग ग्रुप, और वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल तो उसको बोलेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, मतलब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, SNNGP, ठीक है, SNNGP, तो ये केस बेसिकली SNNGP का है। तो अब देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे अपन लोग देखें तो ये बना है SS और ये कार्बन आपका जिसके साथ सल्फर लगा हुआ है वो स्टार वाला कार्बन है, ठीक है, ये स्टार वाला कार्बन है बेटा। तो अगर अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो टाइप कर दिया, याद देखो क्या बनेगा, सल्फर पॉजिटिव और यहां पे आपका ET लगा हुआ है, क्लियर, ये 3 मेंबर की साइकिल बन गई। अब इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस होगा तो HOH बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल, अब टेंडेंसी क्या है बेटा, उसकी दोनों साइड पे अटैक करने की होगी, ठीक है, तो 50% उसकी चांसेस है वो यहां से अटैक करे और 50% चांसेस है वो यहां से अटैक करे, ठीक है, तो रिंग यहां से भी ओपन हो सकती है और यहां से भी ओपन हो सकती है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अपन लोग बोलेंगे कि CH3 CH2S के साथ आपका जो है CH2 CH2 OH भी आएगा, ठीक है, तो एक बार तो अगर रिंग यहां से ओपन हुई तो यहां पे OH आ जाएगा और सल्फर के साथ स्टार वाला कार्बन लगा रहेगा, और अगर यहां से रिंग ओपन हुई तो क्या होगा, CH3 CH2S CH2 CH2 OH, ठीक है। अब यहाँ पे जो संभावना है बेटा 50-50% की है तो अपन लोग बोलेंगे 1:1 की अमाउंट में बनेगा, तो आंसर आपका होगा थर्ड, ठीक है, आंसर क्या होगा, थर्ड, समझ में आ गया, तो ये 11वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक्स एराइल हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न एराइल हैलाइड में मिथेनॉल की उपस्थिति में सोडियम मेथॉक्साइड की क्रियाशीलता का सही क्रम बताना है, स्लो टू फास्ट, ठीक है, अच्छा जी, तो पहले ये समझो कि एक्चुअली एराइल हैलाइड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एराइल हैलाइड के ऊपर जो रिएक्शन होती है, जैसे अपन लोग बात करें यहाँ पे फ्लोरिन या हैलाइड, ठीक है, होता क्या है कि जो ERSN2 का स्टेप होता है उसमें एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता है, क्या होता है, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो यहां पे सोडियम मेथॉक्साइड एंड मिथेनॉल अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है, मेथॉक्साइड की जब अपन लोग रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन बनता है, ठीक है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन, और यहां पे क्या बेटा X और OMe आके जुड़ गए, ठीक है, अब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, ठीक है। अब यहां पे जो X है जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप बढ़िया होगा, इस का जो एनायन आया है कार्बन आयन बेसिकली ये इंटरमीडिएट है यहां पे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है, क्लियर, तो जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी रहेगी ये रिएक्शन उतनी फास्टर जाएगी। अब सवाल ये है कि यहां पे X अगर फ्लोरीन रहेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली विड्रॉ करेगा इसको, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो इसीलिए अपन लोग बोलते हैं कि भाई ARF की जो रेट है वो काफी ज्यादा होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ARCl से, फिर उसके बाद ARBr से और ARBr
आई से, ठीक है, यहां तक की बात अपन को समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो कहने का ये मतलब है कि अपन लोग सारे जो ग्रुप्स देखें तो सबसे पहले तो हैलाइड्स जो लगा हुआ है वो फ्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो फ्लोराइड और ब्रोमाइड में ज्यादा फास्टर रिएक्शन किसकी होगी, फ्लोराइड की, ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बेनाइन, मैं पूरा ही लिख देता हूं उसको, साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बेनाइन जो आया है, साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बेनाइन, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में ये माइनस इधर जाता है और ये एक्स लीव कर जाता है, तो दूसरा स्टेप एलिमिनेशन स्टेप कहलाता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, समझ आ रही बात, अच्छा, और यहां से एक्स माइनस निकल गया, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे अगर अपन लोग कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, जो साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन बना है, इसको समझो जरा, साइक्लोहेक्साडाइनाइल एनायन अपन ने यहां पे बनाया और यहां पे आपका OME आ गया और यहां पे X आ गया, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है ना, इसके पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप देखो इसका रेजोनेंस होके नेगेटिव चार्ज यहां पे डेवलप होगा, जिसको NO2 ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा माइनस M इफेक्ट से, ठीक है, तो साइक्लोहेक्साडाइनाइल कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा होगा, ठीक है, तो वो ARSN2 का रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ेगा अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। अब देखो मेटा पोजीशन पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा, यहां पे मेटा पोजीशन पे आप देखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो नेगेटिव चार्ज वहां पे डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें सबसे पहले हमें सर्च करना है कि फ्लोराइड वाले ज्यादा होने चाहिए क्योंकि स्लो टू फास्ट बताना है अपन को, और साथ में क्या होना चाहिए, NO2 उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फ्लोराइड फास्टेस्ट, ठीक है, फ्लोराइड फास्टेस्ट के तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे दो NO2 लें या एक NO2 लें, है ना, तो यहां देखो फास्टेस्ट जो आएगा, स्लोएस्ट रेट टू फास्टेस्ट कौन सा आएगा, एफ एनओ टू, ये आपका आ रहा है पैरा पे और ये एफ एनओ टू आ रहा है पैरा पे और ये ऑर्थो पे, ऑब्वियस है इसका ज्यादा होगा, फिर आ रहा है बेटा एफ एनओ टू, क्लियर। सो आंसर थ्री आएगा इसका, ओके, थर्ड शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों बढ़ते हैं 13 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ। आपको बोला जा रहा है कि फॉर द रिएक्शन आपको ये एक्स दे रखा है और उस पर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और OH आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्स 3 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ होगा, ठीक है, जैसा कि अपन को दिख रहा है सारे ऑप्शन में, और यहाँ पे OH आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन ऑब्वियस है SN1 के थ्रू जा रही होगी, और SN1 के थ्रू हमने देखा है अभी कि पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है और कार्बोकेटाइन बनाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस कार्बन के ऊपर बनेगा, तो अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन आप बिठाते जाओ, ठीक है, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, बाकी दो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे बेटा एक एलाइलिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन फिनाइलिक रिंग लगी हुई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होना चाहिए, और यहाँ पे भी तीन फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो अब सवाल ये है कि तीन फिनाइलिक रिंग वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो पहले तो आंसर अपन लोग थ्री या फोर में जज करें, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैक्सिमम रेसमाइजेशन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, मैक्सिमम रेसमाइजेशन, देखो अपन को पता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, पैरेलल चलती है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि वहां पे SN2 भी हो, और अगर SN2 होगी तो वहां पे जो है 50-50% का रेशियो तो नहीं आएगा, 50-50% का रेशियो तो तब आएगा जब 100% रेसमाइजेशन हो, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो सब पे SN1 हो, ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर 100 में से 10 मॉलिक्यूल SN2 के थ्रू चले गए तो रेशियो क्या रहेगा बेटा, भाई 90 मॉलिक्यूल्स तो SN1 के थ्रू जा रहे हैं, तो 45-45 प्लस 10 मॉलिक्यूल आपके SN2 के थ्रू चले गए, तो 10 मॉलिक्यूल पे तो इन्वर्जन हो गया ना, तो 45 प्लस 10 55 और जो है आपका 45 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि वहां पे 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, तो SN2 कम से कम हो और SN1 ज्यादा से ज्यादा हो, यही उसका
क्वेश्चन पूछने का पर्पस है, मतलब मैक्सिमम रेसमाइजेशन तब होगा जब इफेक्टिवली SN1 रिएक्शन जाए, और SN1 रिएक्शन इफेक्टिवली तब जाएगी जब कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। तो कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल तब बनेगा जब उसको सपोर्ट करने वाले जो ग्रुप्स हैं वो रहे वहां पे, तो फिनाइलिंग रेजोनेंस से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे क्या बेटा, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेबल थ्री वाला केस होगा। तो सबसे ज्यादा रेशमीकरण किसमें होगा, थर्ड में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका 14 नंबर आपको दिया जा रहा है NaCN एंड DMSO। NaCN एंड DMSO, DMSO क्या है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और साइनाइड आयन यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो साइनाइड आयन का एप्रोटिक सॉल्वेंट में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो एप्रोटिक सॉल्वेंट किस रिएक्शन को फेवर करता है SN2 को, ठीक है। अच्छा, जबकि प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करते हैं और एप्रोटिक SN2 को फेवर करते हैं, ऐसा अपन को पता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि साइनाइड आयन जो है कहाँ पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप तो ये है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, तो BR के अपोजिट साइड पे साइनाइड आना चाहिए, तो BR के अपोजिट साइड पे बाकी सबकी कॉन्फिगरेशन ऐसी ज्यों की त्यों है, और सिर्फ साइनाइड क्या है बेटा अपोजिट आ रहा है, तो मतलब आंसर आपका 2 होगा, SN2 के थ्रू ये रिएक्शन जाएगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15वां क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि भाई रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड THMG-BR विद दिस वन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड जो R- होता है बेटा, ठीक है, R- जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, ठीक है, क्लियर। जब तक एल्केन से, मतलब जो है अपन लोग बात करें RH, ठीक है, एल्केन के कंपैरिजन में कोई स्ट्रॉन्गर एसिड मौजूद है इस तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड आ जाएगा एसिड बेस रिएक्शन के तौर पे। तो जब तक अपन लोग बोले यहां पे कि कोई एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, जैसे कि सिंपल वाटर से भी अगर ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन दे देगा और RH बनाएगा, ठीक है। अगर अपन लोग बात करें यहां पे ROH के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ये एल्केन बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो भी ये एल्केन बना देगा, ठीक है। तो मतलब जो भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइडर होगा उन सभी के साथ रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड क्या बनाता है, एल्केन बनाता है, ठीक है, समझ रहे आपको। अब यहां पे ग्रिग्नार्ड जो है वो है PH-, ठीक है, तो PH- एल्केन के साथ क्या करेगा, मतलब यहां पे आपने ROH अल्कोहल लिया है, देखो क्या ले रखा है उन्होंने, हां अल्कोहल ले रखा है ROH, तो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेके वो क्या बनाएगा PHH, मतलब ये क्या होगा बेंजीन, ये हो जाएगा आपका बेंजीन, समझ में आ गई बात, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16वां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, रॉल्स लॉ। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑब्वियस है अपन को पता है बेटा वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वाटर HNO3 का केस भी जो है इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब ये दोनों नेगेटिव डेविएशन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये भी अपन लोगों का नेगेटिव डेविएशन का केस है, यहाँ पे भी क्या होगा एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का एच कार्बन का जो है इन दोनों के बीच में क्या इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये दोनों अगर हम देखें वाटर हाइड्रोक्लोरिक नेगेटिव डेविएशन, वाटर नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, सिर्फ बेंजीन और मीथेनॉल ये अपोजिट करेक्टर के इनके बीच में कोई इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, सो आंसर आपका 2 होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट बोला जा रहा है बेटा आपको 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज वुड एग्जर्ट, ठीक है, समान पराशरण दाब 1:3 के अनुपात में पराशरण दाब, तो 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। तो NaCl के लिए अगर हम बात करें तो NaCl के लिए 0.1 मोलर लिया है आपने, तो पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर का अपन लोगों को फॉर्मूला बता बेटा I×CRT, तो I कितना है आपका, I देखो इसमें 0.1 मोलर है, ठीक है, NaCl के लिए अगर हम बात करें तो NaCl का I कितना है 2 और ग्लूकोज का I कितना है 1, ठीक है। तो जहां तक हम बात करेंगे तो पाई फॉर NaCl जो आएगा
वो आएगा 2 इनटू 0.1 आरटी है ना, तो 0.1 आरटी। और पाई फॉर ग्लूकोज जो आएगा वो क्या आएगा, इसका आई तो 1 है बेटा, तो ये आएगा 0.1 आरटी। ठीक है, अगर दोनों के रेशियो को देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के तो क्या होगा, 2:1 का रेशियो आएगा। सो आंसर आपका कौन सा आने वाला है, थर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 18वां क्वेश्चन आपको बोल दिया जा रहा है, बोला जा रहा है 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX है जो कि 20% आयनाइज हो रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो HX 20% आयनाइज हो रहा है, तो HX जो है जब आयनाइज होगा तो H+ X-। ठीक है, जब वॉन्ट ऑफ फैक्टर I की बात होती है तो I होता है आपका 1+N-1 into alpha। ठीक है, सो यहां से क्या आएगा, 1+N-1 into alpha। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे HX में, 2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा है आपके पास 20% मतलब 0.2। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 1.2, I की वैल्यू आ गई बेटा 1.2। समझ रहे बात को, अब अपन को पता क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाला जाएगा भाई, पहले डेल्टा TF निकाल लो, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 इंटू वॉट, मोलरिटी आपको दे ही रखी है, सॉरी I इंटू KF इंटू M। ठीक है, अच्छा I की वैल्यू आ गई 1.2, KF आपको 1.86 दे रखा है, मोलरिटी आपको 0.2 दे रखी है। ठीक है, तो आप जब आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, जीरो पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये रफली कितना आएगा, 12 × 24 और ये करीब 0.46 के आसपास आता होगा। ठीक है, 0.456 कुछ ऐसा आता है, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो डेल्टा TF अगर आपका आ गया 0.456, ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास एक ऑप्शन दे रखा है, डेल्टा TF आ गया तो TF कितना होगा, 0 माइनस ये तो T0F हो गया और ये डेल्टा TF हो जाएगा, तो TF आ जाएगा आपका माइनस 0.45। ठीक है, अच्छा जी बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, ये भी सॉल्यूशन चैप्टर का है क्वेश्चन, 0.1 बेरियम नाइट्रेट, 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट आपको दे रखा है, 2.74 उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर बोल रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जहां तक बात है, तो बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यहां पे एक मोल से कितने आयन जनरेट होंगे, बेरियम 2+ ट्वाइस ऑफ NO3-। ठीक है, सो यहां पे N की वैल्यू है आपकी 3, N की वैल्यू कितनी है 3, तो I की बात जब हम करेंगे तो I इज इक्वल टू होगा 1+3-1 इंटू अल्फा। ठीक है, 3-1 इंटू अल्फा, तो मतलब 1+2 अल्फा आ रहा है। ठीक है, N की वैल्यू 3 आ रही है, I जो है आपका कितना है बेटा 2.74 है ना, तो अपन लोग बोलेंगे यहां पे कि 2 अल्फा आ जाएगा आपका 1.74, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 0.87, तो 0.87 मतलब 87% आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हिच इज द डिस्क्रिप्शन of what is occurring। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक सांद्र विलयन को SPM द्वारा एक तनु विलयन से पृथक करते हैं तो सबसे सुवर्णन कौन सा है। ठीक है, जो भी होता है बेटा अपन लोगों को पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पूछा जा रहा है, कह रहे हैं वो कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो पहली बात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करते ही नहीं, फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा तो नहीं है। जो विलय के अणु है वो तो अपन लोग जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे ही नहीं। ठीक है, वो किसको क्रॉस करेंगे बेटा, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, मतलब दोनों ही अपने अपने चैम्बर में रहेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले जो होंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ उनका नेट फ्लो होता है। ठीक है, तो अपन लोग ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे फिर बात हो रही है, तो फिर अपन लोग क्रॉस मार देंगे कि विलय के अणु तो मूव ही नहीं करते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन ईच डायरेक्शन विद ओवरऑल मूवमेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब विलायक के अणु दोनों गतियों में गति करते हैं लेकिन परिणामी गमन सांद्र से
सांद्र से तो तनु की तरफ नहीं होता, परिणामी गमन होता है बेटा तनु से सांद्र की तरफ, मतलब डाइल्यूट से। तो लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव इन ईच डायरेक्शन विद ओवरऑल मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा ऑप्शन करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं आगे, 21 देखो बेटा, एट हायर एल्टीट्यूड्स वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब अधिक ऊंचाई पर जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्वथनांक होता है, वाटर जो उबलता है, ठीक है, वो 100 से कम ताप में होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आप हिली एरियाज में जाओगे, ऊपर जाओगे, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। आप कोस्टल एरिया में जाओगे, समंदर के किनारे जाओगे, तो वहां पे हवा का दबाव ज्यादा होता है। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिली एरियाज में क्या होता है, कम होता है, और कोस्टल एरिया जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा है वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ हायर एल्टीट्यूड, टेम्परेचर से कोई लेना देना है नहीं है भाई, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहां पे, जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बुला देंगे। ठीक है, अच्छा, और पानी उसी टेम्परेचर पे उबलने लगेगा। चलो चलो देखो, अब 22वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपको बेरियम टाइटनेट दे रखा है, बेरियम टाइटनेट है स्पायरोल्यूसाइड स्ट्रक्चर, अ क्यूबिक लैटिस विद बेरियम आयंस ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ऑक्साइड आयन एट द फेस सेंटर। ओके, अब बेरियम टाइटनेट जो होता है उसमें टाइटेनियम आयन कहां पे आ रहे हैं, होल्स ऑफ द बेरियम ऑक्साइड पे। ओके, तो अब देखो बेटा, यहां पे जो बेरियम टाइटनेट होता है उसका फॉर्मूला वैसे तो अपन को पता होना चाहिए, BaTiO3 होता है। ठीक है, फिर भी नहीं पता है तो अपन लोग प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, मान के चलो हमें फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, आपको बेटा बेरियम की वैलेंसी पता है +2 है। ठीक है, टाइटेनियम का वो बोल रहा है +4 है। ठीक है, और ऑक्साइड आयन का जो है -2 है, तो भी अपन देखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी BaTiO3 हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की, लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई आपको दिया जा रहा है कि बेरियम आयन एक कोष्ठिका के एक कोने पर स्थित है, मतलब बेरियम आयन जो है यूनिट सेल के कॉर्नर पे मौजूद है। तो 8×1/8 मतलब बेरियम कितना हो गया +1। ठीक है, फिर ऑक्साइड आयन के बारे में बोल रहे हैं कि ऑक्साइड आयन कहां पे मौजूद है, फलक केंद्रीय है, तो ऑक्साइड आयन आपका फलक केंद्रीय है O2-। ठीक है, अगर ये फलक केंद्रीय है तो 6 फलक हो गई, फेस कितनी हो गई, 6/2 दैट इज 3। ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि BA, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा O3 हो गया, BA1 और O3, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि अब आपके कॉर्नर भी ऑक्यूपाई हैं और सारे जो फेसेस सेंटर है, फेस सेंटर भी ऑक्यूपाई है, मतलब एक तरीके से CCP लैटिस बन गई, एक तरीके की CCP लैटिस बन गई। ठीक है, तो अब बचता है क्या कि टोटल नेगेटिव चार्ज अपने पास कितना, -6, और तो टाइटेनियम कितना आना चाहिए बेटा, +4, 1 ही आना चाहिए, तो टाइटेनियम 1 आएगा। ओके, अब देखो, अब अपन लोगों को ये पता चल गया कि टाइटेनियम जो है 1 आ रहा है, और टाइटेनियम कहां जा रहा है, बेरियम ऑक्साइड की जो लैटिस है। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की जो लैटिस है उसके होल्स में जा रहा है, तो होल्स में अगर जा रहा है तो ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने बनते हैं बेटा, अगर हम CCP लैटिस के लिए बात करें तो CCP लैटिस के लिए ऑक्टाहेड्रल होल्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं 4। ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे कि ऑक्टाहेड्रल होल्स आ रहे हैं 4। ठीक है, तो अगर अपन लोग बोलें कि 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स में से सिर्फ एक ही पे टाइटेनियम आयन होना चाहिए, तो टाइटेनियम क्योंकि एक ही आ रहा है ना, तो Ti4+1 होगा, और एक होगा तो 4 में से एक हो रहा है, मतलब 25% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अष्टफलकीय क्षेत्र 25% भरे होंगे, जो जिन पे कौन होगा, टाइटेनियम। बढ़ते हैं आगे, अच्छा क्वेश्चन था 23वां क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयंस इन CHCl क्रिस्टल इज 8. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? अपन को पता है कि सीजियम कहां पे आता है, क्यूबिक वॉइड में, और Cl- कॉर्नर्स पे आते हैं, तो 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसमें. ठीक है, अ मेटल दैट क्रिस्टलाइजिंग इन BCC स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12. ठीक है भाई, तो मेटल अगर BCC में जाएगा तो BCC में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो ये तो हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स. ठीक है, अच्छा ट्रू फॉल्स नहीं बताना, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है. ठीक है ना, अच्छा तो सही कथनों को चुनना है अपन को, तो ए कथन अपन का सही है ना, ए तो सभी में आ रहा है. ओके, ये गलत हो गया, मतलब बी नहीं चुनना है, तो बी के ऑप्शन ही हटा दो, दो. ठीक है, अब अपन के पास जो है ये देख लो बेटा, यूनिट सेल ऑफ आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विद अदर यूनिट सेल्स. यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विद अदर यूनिट सेल्स, ये बात बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि कंप्लीट आयन जो है कोई भी कोने पे भी अगर आयन है, कॉर्नर पे भी है, तो भी क्या होगा, वो दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा होगा. ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया, मतलब ए के साथ सी आना है. अब डी जरा देख लेते हैं कि डी आना है कि नहीं आना है. ओके, तो लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ NaCl इज 552. तो अब NaCl के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम जानते हैं कि NaCl में क्या होता है बेटा, ऑक्टाइडल वॉइड में Na+ होगा. ऑक्टाइडल वॉइड कहां होते हैं, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, तो यहां पे क्या हो गया, Cl- और Na+. ठीक है, तो एज सेंटर A इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ R ऑफ कैटायन प्लस R ऑफ एनायन. ठीक है, अब R ऑफ कैटायन आपको 95 और ये आपको दे रखा है 181. ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 5 और 6 8 9 8 17 और 1 और 1 2 276. मतलब ये आ रहा है आपका 2 6 12 है ना, 552. तो क्या 552, हाँ 552 एज लेंथ होगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो चलो आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 भी फिनिश कर दिया अपन ने. 24 तो अपन लोग मैचिंग जानते ही हैं, क्यूबिक वॉइड के लिए क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है क्यूबिक के लिए, और साथ में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होता है. तो ए की मैचिंग जो हो गई वो हो गई पी और आर. ठीक है, क्यूबिक के लिए. रोम्बोहेड्रल के लिए अपन लोग बोलेंगे, तो रोम्बोहेड्रल क्या होगा, रोम्बोहेड्रल के लिए बेटा a is not equal to b not equal to c है ना, सॉरी a is equal to b is equal to c है ना, और फिर उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, मतलब ये आपका p आएगा और अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल तो होंगे बट 90 नहीं होंगे, तो पी के साथ टी आएगा. तो अपन लोग देखेंगे पी के साथ टी और पी आर और पी टी. ठीक है, 2-3 ऑप्शन में दिख रहा है पी आर और पी टी, पहले और दूसरे में, पहले और चौथे में. ठीक है, टेट्रागोनल के लिए क्या होगा, टेट्रागोनल के लिए तो ए बी नॉट इक्वल टू सी, तो क्यू आएगा इसके लिए टेट्रागोनल के लिए, और अल्फा बीटा गामा सभी क्या होते हैं, तो पी आर पी टी और क्यू आर, ये तीन अपन लोगों को सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो डी अपन को मैच करना ही पड़ेगा. तो हेक्सागोनल के केस में क्या होगा, A इक्वल टू बी तो होता है बेटा, लेकिन नॉट इक्वल टू सी होता है, तो ये आएगा आपका Q, और यहाँ पे आपके पास ये क्या है S, तो Q के साथ S आएगा. ये बात क्लियर हो गई. तो 24 नंबर का आंसर क्या हो गया, 4. बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. ये शायद सबसे लंबी प्रॉब्लम है जो लेंदी है इस पेपर की. A body-centered cubic lattice is made up of hollow spheres of B. ठीक है भाई, मान लिया. Spheres of solid A are present in the hollow sphere. B के अंदर hollow sphere A मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि radius of A is half of B. ओके भाई, तो A की radius क्या बेटा, आधी है किससे, B की radius से. What is the ratio of total volume of sphere B unoccupied by A in a unit cell? ठीक है, एक unit cell में और volume of unit cell. तो एकक कोष्ठिका के कुल आयतन से अपन लोगों को एकक कोष्ठिका में जो एक के द्वारा छोड़ा गया आयतन है बी एटम्स का, उसको अपन लोगों को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अपन लोग देखें यहां पे, पहले तो हम समझें कि बी का रेडियस जो है ये ए है और ये बी है. ठीक है, तो ये जो डेल्टा वी है, ए ने जो खाली जगह छोड़ी है वो कितनी है, वो है आपकी बेटा 4/3 पाई
r ऑफ b का होल क्यूब माइनस r ऑफ a का होल क्यूब, ठीक है। अब आप यहां से निकालोगे 4 बाई 3 पाई r ऑफ b का होल क्यूब तो अपन ने बाहर निकाल दिया, और ये कितना होगा 1 बाई 2 का होल क्यूब मतलब 1 बाई 8, ठीक है। ये आ गया आर बी का होल क्यूब, ठीक है। आर बी क्यों लिया, क्योंकि यूनिट सेल का जो रेडियस होगा, ओके, बॉडी सेंटर की बात हो रही है ना बीसीसी में, तो बीसीसी में जो है एटम्स आए हैं तो कहां पे आए हैं बेटा, बी के एटम्स जो आए हैं वो कॉर्नर्स पे आए हैं, और साथ में कहां पे बॉडी के सेंटर पे भी है, ठीक है। ये आपका बीसीसी हो गया। अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे कि ए का रिलेशन हमें बी के रेडियस के साथ देखना है, तो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे भाई कि रूट थ्री ए इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ आर ऑफ बी का होल क्यूब, 4 टाइम्स ऑफ आर ऑफ बी का होल क्यूब। तो यहाँ देखो डेल्टा बी आ गया, डेल्टा बी आ गया अपने पास यहां से यहां तक, ठीक है। अब ए जो आएगा वो आएगा 4/3, ठीक है, और आर बी का होल क्यूब, ठीक है, 4/√3 आर बी का, सॉरी होल क्यूब कहां से आ जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, 4 आर बी, ठीक है, रूट थ्री ए इजिकल टू 4 आर बी। अब अपन लोग देखें बेटा तो यहां पे डेल्टा बी इजिकल टू क्या निकल के आया, डेल्टा बी निकल के आया अपने पास 4/3 इंटू 7/8, ओके, पाई आर बी का होल क्यूब, ठीक है, पाई आर बी का होल क्यूब। अब यहां देखो ये डेल्टा बी हो गया जो छोड़ा है आयतन, ठीक है। अब यूनिट सेल का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, है ना, अच्छा, और ए इज इक्वल टू कितना निकाला अपने बेटा, ए इज इक्वल टू आया है अपने पास 4/√3 आर बी, 4/√3 आर बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4/√3 आर बी का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अगर अपन लोग देखें तो पर यूनिट सेल बी एटम कितने हैं, पर यूनिट सेल अपने पास बी एटम है 2, ठीक है, तो नंबर ऑफ बी एटम्स पर यूनिट सेल वो आ रहे हैं 2, ठीक है। तो एक्चुअली जो वॉल्यूम ए ने लेफ्ट किया होगा बेटा वो 2 बी एटम के करस्पॉन्डिंग किया होगा, ये तो 1 एटम के करस्पॉन्डिंग है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहां पे 2 डेल्टा बी कर देंगे इसको, ठीक है। अपन लोगों को निकालना है रेशियो 2 डेल्टा वी अपॉन ए क्यूब, 2 डेल्टा वी अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो अब देखो बस अपन को सॉल्व करना बाकी रह गया बेटा, 2 इंटू डेल्टा वी आ गया आपका 4/3 पाई, ठीक है, और ये आ रहा है आपका 7/8 आर बी का होल क्यूब अपॉन, ये कितना आ रहा है 4 का होल क्यूब मतलब 4×4×4, और यहां से आ रहा है 3√3 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आर बी का होल क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 4×4 कैंसिल आउट कर दो, 3×3 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, बचा गया अपने पास यहां से ये आ जाएगा √3 पाई और 7 बचा अपॉन ये 4 4 4 64, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखें, ओके, 7/√3 ये आ रहा है आपका चौथा ऑप्शन, क्लियर। सो 25 नंबर की प्रॉब्लम हो गई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। 26 नंबर की प्रॉब्लम देखो, इसमें बोला जा रहा है कि अ सॉलिड हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इफ ऑल द एटम्स टचिंग द बॉडी डायगोनल प्लेन आर रिमूव्ड एक्सेप्ट द बॉडी सेंटर, देन द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल लेफ्ट इज, ठीक है। अब पहले समझो कि इसका रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा उसको समझ लेते हैं। ये NaCl है, NaCl का स्ट्रक्चर मान लो, ठीक है, यहां पे एनाइंस कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बॉडी डायगोनल के सारे जो है एटम्स अपन ने गायब कर दिए, तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल देखो बेटा कोई भी एक डायगोनल अपन लोग मैच कराएं, इसके अलोंग जितने भी एटम्स पड़ेंगे
वो सारे गायब कर दो। यहाँ पे कौन कौन पड़ेगा, अगर मैं NaCl की ही बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो Cl- ठीक है, इस तरीके से रहेगा, और फेस सेंटर के सारे रहेंगे Cl-, ठीक है। अपन को सिर्फ इसके अलोंग गायब करने हैं, तो यहाँ पे एक Cl- आएगा और एक यहाँ पे Cl- आएगा पीछे वाले फेस पे, ठीक है। अच्छा, तो ये रेड से जो मैंने जो डिप्रिंट करे हैं वो Cl- है, ठीक है, और जो Na+ होंगे कैटाइन वो मैं रिप्रिंट कर दे रहा हूं Na+ को ग्रीन से, ठीक है, और वो सब कहां पे होंगे, एज के सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, तो एज के सेंटर पे, तो अगर मैं बात करूं पहले Na+ जो था, मतलब पहले Cl- जो था बेटा वो CCP लैटिस पे था, लेकिन अब क्या है Cl- गायब हो गए, ये अगर हम देखें कॉर्नर से चार गायब हो गए और दो फेस से गायब हो गए, तो अभी बचे कितने हैं, चार कॉर्नर पे बाकी हैं, तो चार कॉर्नर पे बाकी हैं 4×1/8, ठीक है, प्लस फेसेस कितनी बाकी हैं, चार फेसेस हैं, दो से तो चले गए, ठीक है, दो से चले गए, लेकिन छह फेसेस में से दो से हमने हटा दिए आमने सामने वाली, ठीक है, तो बचे कितने बेटा, यहां से आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है, ये क्लोराइड आयन की नंबर ऑफ आयंस है क्लोराइड आयन। अब Na+ की जब बात करते हैं तो Na+ क्या होगा, ठीक है, Na+ देखो एक तो Na+ अपना बॉडी के सेंटर पे भी होगा, लेकिन वो कह रहे हैं इसको गायब नहीं करना अपन को, ठीक है, ये Na+ को गायब नहीं करना है बॉडी सेंटर वाले को, ठीक है। तो Na+ कहां कहां थे बेटा, 12 एजेस थे, 12 एजेस में से कितने एजेस के गायब हो गए, दो एजेस के गायब हो गए आमने सामने, तो बचे कितने, एक एज चार यूनिट सेल के साथ शेयर होती है 10×1/4 और साथ में जो है एक बॉडी सेंटर वाला तो था ही, है ना, तो ये कितना हो गया 5/2+1, मतलब ये आ रहा है 7/2, ठीक है। तो मतलब अपन लोग बोलेंगे कि Na+ और Cl- का जो रेशियो आएगा वो आएगा क्या, आप बोलोगे इसको 5/2 और इसको बोलोगे 7/2, ठीक है। तो देखो Na+ की जगह अपन लोग A को ले ले रहे हैं, ठीक है, और जो है ओके, तो नेक्स्ट अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि AB, अगर अपन लोग AB सॉल्ट मानते हैं तो A+ की जगह Na+, देखो आंसर क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 3.5 और 2.5, समझ में आया, 3.5 और 2.5, ओके, सो आंसर फोर्थ हो गया, समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका 27 नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है, 27 नंबर का प्रॉब्लम देखो, आपको बोल रहा है पैकिंग एफिशिएंसी इन टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल में एरिया के टर्म्स में बात करेंगे बेटा, तो अगर हम देखें तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, अगर इसको यूनिट सेल मान लें 2D की, ठीक है, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कि जो है पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे होगी, टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया कितना है बेटा, अपन लोग बोलेंगे A2, टोटल एरिया कितना है A2, और यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई जो वॉल्यूम सॉरी एरिया ऑक्यूपाइड है वो कितना है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इन चारों टुकड़ों को मिला के, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो अपन लोग बोलेंगे 2πr², ये टोटल एरिया, मतलब एरिया ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स या सर्कल्स, ठीक है, 2πr² / a² जो होगा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। अब 2πr², तो ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें a = what, डायमेंशनली अगर देखें तो a की वैल्यू √2a = what, 4r, तो a = कितना आएगा 2√2r, a = आएगा आपका 2√2r, ठीक है, तो अपन लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है, और ये साथ में 8 आ जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से नीचे आया 8r², है ना, r² कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 आएगा, π/4 मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 4 करोगे आप तो ये आएगा 0.78 के अराउंड, तो 0.78 के अराउंड मतलब चौथा आंसर आएगा 78.54%, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 27 नंबर की प्रॉब्लम हो गई, 28वें पे आते हैं, आपको बोला जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू 387, ओके, अगेन क्या है बेटा, अगर ये
बीसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो बीसीसी लैटिस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रूट थ्री ए इज इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स ऑफ कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। ठीक है, समझ रहे बात को? तो यहां पे आ जाएगा आपका रूट थ्री ए, एज लेंथ आपको दे रखी है और आपको एनायन का भी चार्ज दे रख, जो एनायन की भी रेडियस दे रखी है, कैटायन की रेडियस पूछी है आपको, तो ये कितना हो जाएगा कैटायन की रेडियस बेटा, रूट थ्री बाई टू ए माइनस, ओके एनायन की रेडियस, एनायन की रेडियस आपको 181 दे रखी है, ओके तो रूट थ्री ए मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई टू और ये 387 आ रहा है माइनस 181। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे इसको मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है ये आ रहा है बेटा आपका 335.142 माइनस 181, ओके सो दैट कम्स आउट टू बी 154.14, तो मतलब आंसर आपका हो जाएगा 2। समझ में आ गया, 28वीं प्रॉब्लम हो गई। चलो बेटा देखो यहाँ पे अपन लोगों को सीजियम ब्रोमाइड 29 नंबर की प्रॉब्लम में दे रखा है, क्रिस्टलाइज्ड इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, जैसा कि अपन को पता ही है बीआर माइनस कॉर्नर्स पे आएगा और सीजियम कहाँ पे आएगा, क्यूबिक वॉइड पे आएगा, किनारे की लंबाई आपको 436 पिकोमीटर दे रखी है ना, सीजियम आपको 133 और बीआर आपको ये दे रखा है उसका मॉलिकुलर वेट सीजियम बीआर का, तो सीजियम बीआर पर यूनिट सेल कितने फॉर्मूला यूनिट्स बनेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, जेड ऑफ सीजियम बीआर इनटू व्हाट, मोलर मास ऑफ सीजियम बीआर, ठीक है अपॉन क्या आएगा बेटा, ये तो आ गया एम बाई एन ए अपॉन ए क्यूब, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यूनिट सेल का। ठीक है, अच्छा अब अपन लोगों को सीजियम बीआर की कितनी यूनिट है बेटा, 1 है ना, सीजियम आयन और बीआर माइनस 1:1 के रेशियो में ही रहेंगे, तो 1 इनटू आप सीजियम ब्रोमाइड का अगर जो है फॉर्मूला मास देखोगे तो 133 प्लस 80 कितना आने वाला है, 213 आएगा। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय इसको 6 × 10⁻²³ कर दो एवोगाड्रो नंबर को, है ना, और ए की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास, ये आ रहा है 436.6 पिकोमीटर, मतलब अपन लोग लिख सकते हैं 4.366, ठीक है 4.366 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे है ना, तो रिजल्ट जो निकल के आएगा बेटा वो आएगा 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके सो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी जाएगी इसकी, है ना, तो थोड़ा सा टाइम देके कर लेना। नाउ 30 नंबर की प्रॉब्लम देखो, आपको बोला जा रहा है कि भाई कौन सा जो इनिशियल दे रखे हैं अपन को, कथन दे रखे हैं उसमें सत्य असत्य ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर एनायन फ्रॉम एफसीसी लैटिस एंड कैटायन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉल्स, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब Na2O, ठीक है एंटी फ्लोराइड में, तो अपन लोग बोलेंगे कि एनायन सीसीपी लैटिस लेता है, ये बात सही है, और कैटायन क्या होता है बेटा आपका, कैटायन जो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो गया है ना। इफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर 0.2 एंड 0.95 देन कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कैटायन इन क्रिस्टल इज 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट नंबर कैटायन का कितना आएगा, कैटायंस और एनायंस का 0.2 और 0.95 दे रखा है कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ कैटायन इन क्रिस्टल, तो देखो बेटा रेडियस रेशियो 0.2 अपॉन 0.95 है। ठीक है, तो 0.95 तो ये रफली कितना आएगा, आप इसको 200 अपॉन 95 कर दो, नहीं 20 अपॉन 95 ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा पॉइंट है ना, और 9 × 2 = 18 और फिर उसके बाद 0.22 के आसपास आने चाहिए। ठीक है, तो 0.225 से बिलो अगर आ रहा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है 0.9 × 18 ठीक है, ये 0.21 कुछ आएगा, क्लियर,
सो ये ट्राइगोनल वॉइड बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड तो नहीं बनेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो, वो कह रहे हैं एटम या आयन को अगर हम लोग ट्रांसफर फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। बेटा आयन जो है अपनी अंतराकाशीय स्थिति में स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसको फ्रेंकल त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है बेटा, प्रतिस्थापन अशुद्धि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अशुद्धि जो है आपका डेंसिटी इंक्रीज होगा ऐसा तो नहीं, ठीक है, यूजुअली या तो सेम रहेगा या तो जो है आपका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा अगर लैटिस जो है लैटिस साइड वैक्यूम रह गई, ठीक है। जैसे कि अपन लोग प्रतिस्थापन अशुद्धि में जैसे NaCl के अंदर स्ट्रोंसियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो NaCl जहाँ पे दो साइड पे Na+ था, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक ही साइड पे SR2+ रहेगा और Na+ अपनी दो जगहों को खाली करेगा, तब जाके क्या होगा स्ट्रोंसियम 2+ एक जगह पे आएगा, क्योंकि चार्ज को भी तो बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी या तो इक्विवेलेंट रहेगी या तो बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी या तो घटनी चाहिए, ठीक है, या तो बैलेंस होनी चाहिए, तो अपन के पास जो है ट्रू फॉल्स, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रू है ना, और फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, चौथा ऑप्शन, 30 का आ गया फोर्थ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का, अब आपको जो है इंटीरियर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। आपको बोला जा रहा है कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस आपको दे रखी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ए प्लस का निकालना है। तो ऑब्वियस एनायन बड़ा है तो ये तो कोई लैटिस ऑक्यूपाई करेगा, कैटायन जो है किसी वॉइड में आएगा, तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे 15 और ये 22, ठीक है, सो यहाँ से कितना आएगा इसको 15 एकम 15, ठीक है, नहीं आर ए सॉरी उल्टा हो गया, 15 और ये 22, R प्लस अपॉन R माइनस निकालना है ना, ठीक है। सो अपन लोग जब निकालेंगे इसको, ये आपका पॉइंट हो गया और 2 × 7 = 14, ठीक है ना, 7 ओके 154, 0.7 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.68 0.69 के आसपास आएगा, ठीक है। ये किस रेंज में आता है, हाँ अगर हम देखें तो 0.414 से 0.732 तक की जो रेडियस रेशियो की रेंज होती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होती है। तो आंसर इसका कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 606, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ गैसेस मिक्सचर कंटेनिंग नॉर्मल एक्सियन नॉर्मल एप्टेन इज कंप्लीटली कंडेंस, उसको कंडेंस कर दिया बेटा। अब यह पाया गया कि 273 केल्विन पे वाष्प दाब जो है 228 टोर है, ओके, इसका नॉर्मल एक्सियन और नॉर्मल हेप्टेन के मिक्सचर का। वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ आइसोहेप्टेन कैन बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन सो दैट इट्स वेपर रिमेंस, वेपर प्रेशर रिमेंस अनचेंज, मतलब कितना अपन लोग आइसोहेप्टेन मिलाया जाए ताकि वाष्प दाब अपरिवर्तित रहे 273 केल्विन पे, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन और आइसोहेप्टेन का वाष्प दाब आपको क्रमशः दे रखा है, ठीक है। आप देखो बेटा, आपने रॉल्ट्स लॉ पढ़ा होगा तो उस केस में अपन लोग बात कर रहे हैं कि P इज इक्वल टू क्या है, दो कंपोनेंट है PA प्लस PB, ठीक है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है कुछ, ठीक है। तो PA कितना होता है, P0A प्लस P0B, P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। अगर आप तीसरा कंपोनेंट कोई सा भी ऐड करा रहे हो, ठीक है, तो उसका भी पार्शियल प्रेशर ऐड होगा, ठीक है। आप यहां पे P0C अगर ला रहे हो क्योंकि इनके मोल फ्रैक्शन आपने चेंज करे हैं, ठीक है, तो आप कितनी अमाउंट ऐड करा दो ताकि ये वेपर प्रेशर एज इट इज रहे, तो ऑब्वियस है अपन लोग बोलेंगे कुछ भी ऐड नहीं करा सकते क्योंकि आपने कोई भी अमाउंट ऐड कराई, ठीक है, वेपर प्रेशर डेफिनेटली चेंज होने वाला है क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन भी फिर वो नहीं रह जाएंगे, समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो आइसोहेप्टेन की अपन लोग कोई भी अमाउंट ऐड कराएंगे है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 और 0, क्लियर। अच्छा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में बोला जा रहा है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 500 mm ऑफ मर्करी, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड द टेंपरेचर इज रेज्ड टू
27, मतलब इस विलयन को तनु किया गया और साथ में टेम्परेचर भी उसका बढ़ाया गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पराश्रयणी दाब कितना हो जाता है 109, ठीक है, पाया जाता है। विलयन को कितने गुना तनु किया गया, अब देखो बेटा पहले अपन लोग बात करें पाई वन जो होगा, पाई वन होगा सी वन आर टी वन, ठीक है, और पाई टू जो होगा वो क्या होगा सी टू आर टी टू, ठीक है। अगर अपन लोग देखें यहाँ पे तो पाई वन कितना था 500 और पाई टू कितना हो गया 109.09, ओके, यहां से सी वन अपॉन सी टू, ठीक है, आर आर कैंसिल आउट हो गया, टी वन कितना है आपके पास, टी वन है आपका 275, ठीक है, और ये आपका है कितना 300 केल्विन, टी टू कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज करा गया, तो आप बोल रहे हो कि टी टू आपने कितना कर दिया 275 से लेके सीधा 300 केल्विन कर दिया, ओके। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी वन अपॉन सी टू जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 500 × 300 / 275, है ना, × 109.09, ठीक है। अच्छा तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ रही होती है वो कितनी आ रही होती है 5, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 हो गया आपका 5C2, कितना हो गया 5C2, ठीक है। अच्छा जी तो ये 5 गुना ज्यादा आ रहा है, ओके। अब देखो यहां पे अगर C1 5C2 है, C1 कितना है 5C2 है, तो वॉल्यूम मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन को 5 गुना कम करा है बेटा, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या करा होगा आपने 5 गुना बढ़ाया होगा, तो V2 जो होगा वो 5 times V1 हो जाएगा, क्लियर। सो आंसर 5 times greater आएगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा जो है फोर्थ प्रॉब्लम है, आपको बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अल्कोहल प्रोडक्ट, ठीक है, जब पॉसिबल अल्कोहल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी अपन कंसीडर करेंगे, क्योंकि बोला ही नहीं गया अपन लोगों को तो अपन कंसीडर करके ही मानेंगे, ठीक है, या तो बोला गया होता सिर्फ स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है, लेकिन अगर स्टीरियो की बात स्पेशली या तो बोली जाती है ना, तो अपन लोग बोलेंगे कि यहाँ पे CH2Br है, फेस में अगर हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे देखो बेटा Br अगर लीव करेगा तो ये एलाइलिक कार्बन कार्बोकैटायन बनाएगा, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा CH2+, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा अगर हम देखें तो ये जो है आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा जी तो अगर हम देखें यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा CH2OH, ठीक है, और एक क्या होगा बेटा इस पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा OH, ठीक है। अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे CH2OH इसमें एक काइरल कार्बन डेवलप हो रहा है, डेवलप तो पहले से ही था लेकिन उसमें स्पेसिफिक तो था नहीं कुछ, ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये जो काइरल कार्बन है इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो R कॉन्फिगरेशन भी आएगी और S भी आएगी, तो प्रोडक्ट दो काउंट करेंगे यहाँ पे। और अगर हम देखें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दो काइरल कार्बन डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने आएंगे 4 आएंगे, ठीक है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो 4 × 2 की पावर 2, है ना, तो अपन लोग टोटल प्रोडक्ट कितने बुलाएंगे 06, आंसर क्या होगा इसका 06, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन का रिअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकैटायन है, नहीं तो कोई बच्चा यहाँ पे रिअरेंजमेंट कर दे 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी कार्बोकैटायन रिअरेंजमेंट की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ओके, आज के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहे हैं क्लोरीनेशन अपन लोग करा रहे हैं एक्सेस में, हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन द अबव रिएक्शन, ओके भाई तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक तो बेटा CH2Cl यहां पे रेडिकल बन सकता है, ठीक है, दूसरा क्या होगा यहां पे Cl आ सकता है, ठीक है, फिर क्या हो सकता है यहां पे Cl आ सकता है, फिर क्या होगा 1-3 पोजीशन पे आ सकता है, फिर यहां पे आपका Cl आ सकता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अपन को इंक्लूड करना है, ओके, तो
अपन लोगों को ऑप्टिकल आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं करना होगा, ठीक है? तो अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे कोई कायरल सेंटर डेवलप नहीं हो रहा, तो इसका आंसर एक, ठीक है? यहाँ पे एक ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, सिस और ट्रांस दो, इसके भी दो बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे, ठीक है? तो टोटल कितना हो गया बेटा, दो दो चार, दो छह और दो आठ, तो आंसर इसका कितना आ गया, 08, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा आप लोगों का ये पूरा 35 क्वेश्चन का पेपर, उसका सोल्यूशन मैंने दिया, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, ओके? तो आप सीएलसी सीकर के पेज पे जो हमारे इस वीडियो के अलावा और भी जो वीडियोस हैं अदर सब्जेक्ट्स के, उनको आप जाके जो भी पेपर्स हैं उनको देख सकते हो, उनका प्रॉपर सोल्यूशन ले सकते हो, है ना? और अपनी जो प्रोग्रेस है उसको बूस्ट कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं बाद में जेई एडवांस के पेपर के टाइम, ओके? थैंक यू वेरी मच।